क्या कभी आपने महिला नागा को देखा है? और क्या आपको पता है कि जब एक महिला नागा अकेले में होती है तब वो क्या करती है? वेल, आज मैं आपको महिला नागा साधु से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देने वाला हूँ जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक महिला के नागा बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और यहाँ तक कि उसके पिछले जन्म की भी जाँच पड़ताल करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना पड़ता है। और हिंदू धर्म में पिंडदान व श्राद्ध मरने के बाद किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि अब वो महिला सांसारिक सुख और दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। साथ ही साथ उस महिला को अपना मुंडन भी कराना होता है। देखो यार, वैसे तो महिला और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क केवल इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रहना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर इन्हें स्नान भी करना पड़ता है। इन्हें नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। शायद आपको पता होगा कि आजकल बहुत ही कम संख्या में महिलाएं युवा नागा साधु बनती हैं, क्योंकि महिला नागा साधु बनने की परीक्षा काफ़ी कठिन होती है। लगभग एक साल तक कठिन मेहनत करने के बाद और कई कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने से पहले उन्हें अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर काबू करना पड़ता है, नहीं तो इनकी कामेंद्रियाँ भंग कर दी जाती है। एक महिला नागा 24 घंटे में मात्र एक बार ही भोजन करती है। एक महिला नागा अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर सकती है। जब कोई महिला सभी परीक्षाओं को पास कर लेती है तब उन्हें माता की उपाधि दे दी जाती है, मतलब कि अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। अच्छा, वैसे आपको बता दूं कि पहले के समय में ओनली पुरुष को ही नागा साधुओं की दीक्षा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला साधु में विदेशी महिलाओं की संख्याएं काफ़ी ज़्यादा है।